चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता सम्मान समारोह का आयोजन 1 नवंबर को विधानसभा में होगा। कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नंदा देवी वीरता सम्मान पाने वाली महिलाओं की सूची जारी कर दी गई है। अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाएं सम्मानित होंगी और इसका आयोजन एक वृहद स्तर पर किया जाना है। 1 नवंबर को विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता से सम्मानित किया जाना है। तो जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें या फिर अन्य कामों की बात करें, लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जो वीरता पुरस्कार है कहीं ना कहीं ये अहम भूमिका निभाएगा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं तो महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान समारोह से सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर को विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन होना है। 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता से सम्मानित किया जाएगा। नंदा देवी वीरता सम्मान पाने वाली महिलाओं की सूची जारी कर दी गई है और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अवनीश जी, वीरता सम्मान पुरस्कार महिलाओं को दिया जाना है, एक कार्यक्रम का आयोजन होना है 1 नवंबर को विधानसभा में। क्या कुछ तैयारियां विधानसभा में कर ली गई इस कार्यक्रम को लेकर? कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा? क्योंकि महिलाओं का सम्मान होना है और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अहम भूमिका निभा सकता है ये कार्यक्रम और ये सम्मान। जी बिल्कुल, देखिए पूनम, अगर बात करें जिस तरीके से राज्य सरकार का जो है उन्होंने पहले भी अपनी जो है वो मैनिफेस्टो में ही कहा था कि महिलाओं को जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है राज्य सरकार कटिबद्ध है, उनके कार्य के लिए सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। और जो आरक्षण की भी बात हो उसके लिए बाकायदा जो है वो यहाँ पे कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया था। इसी कड़ी में अब जो है कि महिला सम्मान समारोह जो है ये होने जा रहा है कल विधानसभा के अंदर, उसमें जो है बाकायदा 10 महिलाओं की सूची तैयार कर ली गई है और ये जो सम्मान है ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक अच्छा कदम है। जी जी अवनीश जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल महिलाओं के सम्मान के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं विधानसभा में आयोजित होगा 1 नवंबर को और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और महिलाओं को वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नंदा देवी वीरता सम्मान पाने वाली महिलाओं की सूची भी जारी कर दी गई है और ये उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनका अतुलनीय योगदान मिला है। तो अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाएं सम्मानित होंगी।